जब ताली बजाते हैं ना तो यहाँ से थायराइड ठीक हो जाता है। अंगूठे के नीचे यहाँ ऐसे लगातार दबाओ तो थायराइड क्योर हो जाता है। पहली दूसरी अंगुली के नीचे दबाओ तो आँखों की रोशनी अच्छी होती है, आईसाइट अच्छी हो जाती है। किसी का भी आँखों पर चश्मा ले गएगा, कैटरेक्ट ग्लूकोमा का प्रॉब्लम नहीं होगा, 100 साल तक आपकी आँख अच्छी रहेगी। आप थोड़ा एक्यूप्रेशर करना, ये थायराइड का पॉइंट है, इससे थायराइड अच्छा हो जाता है। पहली दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ आँख अच्छी हो जाती है, ये उपचार है, एक्यूप्रेशर इसको कहते हैं। ऐसे दबाने से बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो, आँख का चश्मा हो, तो ये पहली दूसरी उंगली के नीचे दबा देना, अनुलोम विलोम करा देना, आंवले का जूस पिला देना, एक दृष्टि आई ड्रॉप पर डाल दो तो ग्लासेज हट जाते हैं, आईज के ग्लासेज, चश्मा हट जाता है। फिर बीच की दो उंगलियों के नीचे दबाने से यहाँ से फेफड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है, एकदम क्लियर होना चाहिए फेफड़ा ना, इसे कोई कफ बलगम ये नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए है। लास्ट में इधर कान के लिए, उसके नीचे हार्ट के लिए, यहाँ दबाने से हार्ट अच्छा हो जाता है। अपने दबा के देखो जरा, यदि दुख रहा है ना तो 5 साल पहले पता लग जाता है, अर्ली डायग्नोसिस। यदि दुख रहा है तो इसका मतलब हार्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ गया है, 5 साल पहले ही पता लग जाएगा हार्ट अटैक का। तो फिर लौकी का जूस पीना, हरदम में अर्जुन की छाल लेना, प्राणायाम करना, हार्ट अटैक नहीं आएगा। नहीं तो बहुत पैसा खर्च होता है हार्ट अटैक आने पर, और फिर कॉन्फिडेंस लेवल भी घट जाता है, आदमी फिर कदम सोच सोच के चलता है, अरे कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये इसके हार्ट वाले के नीचे इधर शुगर का पॉइंट है, ऐसे दबाने से दुखे तो सोच लेना, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से किसी को जेनेटिकली, किसी को और ज़्यादा, पूरा लाइफ साइकिल गड़बड़ हो रहा है हमारा। लोगों का सोते हम टाइम से नहीं है, खाते टाइम से नहीं है, सोना समय से चाहिए, जागना समय से चाहिए, खाना समय से चाहिए, हमारा लाइफ का जो टाइमिंग है ना वो गड़बड़ होने से पूरा लाइफ का साइकिल गड़बड़ होता है। ये डायबिटीज़ के लिए पॉइंट है। शुगर खाने से शुगर नहीं होता है, शुगर होने के बाद शुगर खाने से बढ़ता है, ये डायबिटीज़ के लिए। फिर ये किडनी के लिए, हथेली के बीच में आजकल किडनी फेलियर बहुत हो रहा है, डायलिसिस कराना पड़ता है लोगों को। ये कपालभाती तो करना है, ये पॉइंट भी दबाना। इधर ये पाइल्स के लिए, फिशर फिस्टुला के लिए, बार बार कॉन्स्टिपेशन रहता है और थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं। इधर भी लाल मिर्चा तो खूब खाते हो ना, लाल मिर्चा बहुत खाते हैं, और ज़्यादा मिर्चा खाने से एक तो एसिडिटी होता है, फिर नीचे से ऊपर से मुंह भी थोड़ा तीखा तीखा लगता है, फिर पेट में तीखा तीखा लगता है, फिर दूसरे दिन भी तीखा तीखा लगता है, तो उससे उससे फिर ये पाइल्स हो जाता है। उसके लिए पॉइंट है ये यहाँ से, फिर यहाँ से स्ट्रेस गायब हो जाता है।